नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। आज हम जानेंगे उस इकलौते कांग्रेस उम्मीदवार के बारे में जिसने बिहार की इकलौती सीट जीतकर महागठबंधन की लाज बचाई। गजब का लोकसभा चुनाव हुआ इस बार देश में। 2014 में जहां नरेंद्र मोदी की आंधी थी, तो इस बार तो ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी की सुनामी ही आ गई। बड़े बड़े सियासी सूरमा दफन हो गए, बिहार भी इससे छूता नहीं रह पाया। लोकसभा की 40 सीटों में से 39 सीटों पर आश्चर्यजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन एनडीए ने कब्जा कर लिया। वहीं विधायकों की संख्या के मामले में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल शून्य पर सिमट गई। राष्ट्रीय जनता दल का कांग्रेस, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के साथ महागठबंधन बना था और इन सभी पार्टी के प्रमुख चुनावी मैदान में थे और सभी को हार का सामना करना पड़ा। कुछ एक सीटों को छोड़ दे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का भी समर्थन इस महागठबंधन को हासिल था। बावजूद इसके इस गठबंधन को 40 में से 39 सीटों पर बहुत ही शर्मनाक पराजय का मुंह देखना पड़ गया। लेकिन वो एक चेहरा कौन है जिसने मोदी की सुनामी में भी अपनी सीट पर एनडीए को उठाकर पटक दिया? जी हां, महागठबंधन को सिकलौते विजयी उम्मीदवार की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जिन्होंने किशनगंज लोकसभा सीट जीतकर उसे महागठबंधन की झोली में डाल दिया। कौन है यह डॉक्टर जावेद? तो मैं बता दूं कि 54 साल के जावेद खांटी कांग्रेसी नेता हैं। डॉक्टर जावेद सांसद बनने से पहले किशनगंज की सीट से कांग्रेस के निवर्तमान विधायक हैं। वो इसके अलावा राहुल गांधी की टीम में राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इस लोकसभा चुनाव में डॉक्टर जावेद को त्रिकोणीय संघर्ष में जीत हासिल हुई। इस चुनाव में जावेद की लड़ाई जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी सैयद महमूद अशरफ और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM से हुआ था। तकरीबन 34,000 वोटों के अंतराल से डॉक्टर जावेद को जीत हासिल हुई। डॉक्टर जावेद को इस सीट पर 3,67,017 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे महमूद अशरफ को 3,32,551 वोट मिले। वहीं तीसरे स्थान के साथ अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराने वाले AIMIM यानी कि ओवैसी के उम्मीदवार अख्तर उल ईमान को 2,95,029 वोट हासिल हुए। वहीं इस सीट पर चौथा नंबर नोटा का भी रहा, जिसके पक्ष में लगभग 20,000 लोगों ने वोट दिया। डॉक्टर जावेद की अगर बात करें तो उन्हें इस इलाके में यानी सीमांचल के इलाके में काफी लोकप्रिय नेता माना जाता है। मुस्लिम बहुल सीट से बार बार विधायक होने के बावजूद डॉक्टर जावेद को हर हिंदू त्योहारों में लोगों के बीच देखा जाता रहा है। इस बार के चुनाव में किशनगंज में जहां मुस्लिम युवाओं में ओवैसी के उम्मीदवार के पक्ष में गोलबंद देखा जा रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि अख्तर उल ईमान यहां से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन डॉक्टर जावेद को हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों ने वोट देकर विजयी होने का मौका दे दिया और उन्होंने बिहार की इकलौती सीट से कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन की भी इज्जत बचा दी। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को, बिहारी न्यूज को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज पे हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे भी जरूर लाइक और शेयर करें।